दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहां से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा ले। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान पर। दोस्तों आज 25 सितंबर 2019 बुधवार की एक बार फिर से हम आपके लिए 10 नई बड़ी भर्तियों की अपडेट लेके आए हैं। इन फॉर्म को भरना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऑल इंडिया की वैकेंसीज निकली है, 8वीं 10वीं 12वीं डिग्री डिप्लोमा और भी अन्य योग्यताओं से आप इन भर्तियों के लिए अप्लाई कर सकते हो। मेल या फीमेल बोथ कैंडिडेट इन फॉर्म को भर सकते हैं। 20,000 से ज़्यादा खाली पद है जिनके लिए आपसे आवेदन पत्र मंगाए जा रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि क्या एग्जैक्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किन किन विभागों के अंतर्गत ये भर्तियाँ निकली है, किस पोस्ट के लिए कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, कैसे आप इनकी नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों बिना कोई वक्त गवाए शुरू करते हैं आज की यानी कि 25 सितंबर 2019 की टॉप 10 बड़ी भर्तियों की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, जो यहाँ पर फर्स्ट नंबर की जॉब निकली है वो निकली है पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड में, बिजली विभाग के अंतर्गत ये भर्ती निकली है। पोस्ट है असिस्टेंट लाइनमैन की, 3,500 खाली पद है जिनके लिए आपसे ऑनलाइन आवेदन पत्र मंगाए जा रहे हैं। सैलरी 6400 से 20,200 है पर मंथ के लिए। ITI अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा कम से कम 18 वर्ष है और अधिकतम 37 वर्ष है। जनरल या OBC कैटेगरी के लिए ₹1,000 अप्लाई शुल्क है, SC/ST के लिए ₹400 है। शुल्क आप चालान के माध्यम से जमा करा सकते हो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी ब्रांच से। सिलेक्शन होगा रिटर्न टेस्ट के आधार पर, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। पंजाब जॉब लोकेशन है, ऑल इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हो। PSPCL.in का ऑफिशियल पोर्टल है जिससे आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, जो कि स्टार्ट होंगे 4 अक्टूबर 2019 से। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 25 अक्टूबर 2019 है। फीस पेमेंट की लास्ट डेट 31 अक्टूबर 2019 है। उसके बाद दोस्तों जो सेकंड नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है कर्नाटका स्टेट पुलिस में। पोस्ट है कॉन्स्टेबल की, 3,026 खाली पद है। सैलरी आप नोटिस से ही चेक कर सकते हो। 10वीं और 12वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा 18 से 25 वर्ष है। आयु की गणना 17 अक्टूबर 2019 से की जाएगी। GM और OBC इसके अंतर्गत 2A, 2B, 3A, 3B के लिए यहाँ पर ₹250 अप्लाई शुल्क है। SC/ST, CAT फर्स्ट और ट्रिपल के लिए यहाँ पर ₹100 अप्लाई शुल्क है। शुल्क आप ऑनलाइन तरीके से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन होगा रिटर्न एग्जाम और इंटरव्यू के आधार पर, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। कर्नाटका जॉब लोकेशन है, ऑल इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हो। REC19.KSP-online.in का ऑफिशियल पोर्टल है जिससे आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, जो कि स्टार्ट हो चुके हैं 23 सितंबर 2019 से। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 10 अक्टूबर 2019 है। फीस पेमेंट की लास्ट डेट 19 अक्टूबर 2019 है। उसके बाद दोस्तों जो थर्ड नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है इंडियन आर्मी में। जी हाँ दोस्तों, भारतीय सेना के अंतर्गत सोल्जर GD, हाउसकीपर, वाशरमैन, चीफ मैस, हेड ड्रेसर, मैस कीपर, ट्रेड्समैन और भी बहुत सारे पद हैं जिनके लिए यहाँ पर टोटल 425 खाली पद है। सैलरी इंडियन आर्मी रूल के हिसाब से प्रोवाइड की जाएगी। 8वीं, 10वीं और 12वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा की जानकारी की अगर बात की जाए तो आर्मी रूल के हिसाब से ही तय की जाएगी। कोई भी शुल्क आपको इस भर्ती के लिए जमा नहीं करना होगा। सिलेक्शन होगा रिटर्न टेस्ट, इंटरव्यू और फिजिकल टेस्ट के आधार पर, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ऑल इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हो। territorialarmy.in का ऑफिशियल पोर्टल है। आर्मी रैली डेट की बात की जाए तो 17 से 28 अक्टूबर 2019 रैली की डेट यहाँ पर रखी गई है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ट्रेड टेस्ट, मेडिकल टेस्ट और अदर फॉर्मेलिटीज शेड्यूल की बात की जाए तो 25 से 28 अक्टूबर 2019 है। उसके बाद दोस्तों जो फोर्थ नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है पंजाब एंड सिंध बैंक में। पोस्ट है स्पेशलिस्ट ऑफिसर की, 168 खाली पद है। सैलरी 23,700 से 66,070 है पर मंथ के लिए। ग्रेजुएट, BBTECH, पोस्ट ग्रेजुएट और चार्टर्ड अकाउंटेंट अप्लाई कर सकते हैं। 20 से 45 वर्ष आयु सीमा है। आयु की गणना 31 जुलाई 2019 से की जाएगी। SC/ST PWD कैंडिडेट के लिए ₹177 अप्लाई शुल्क है। ऑल अदर्स के लिए ₹826 है। शुल्क आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से ऑनलाइन या फिर ई चालान से ऑफलाइन भी जमा करा सकते हो। सिलेक्शन होगा ऑनलाइन टेस्ट, पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ऑल इंडिया से आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। PSPIndia.com इसका ऑफिशियल पोर्टल है जिससे आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, जो कि स्टार्ट होंगे 26 सितंबर 2019 से। जी हाँ दोस्तों, कल से आप इस भर्ती के लिए अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 10 अक्टूबर 2019 है। ऑनलाइन फॉर्म की आपको हार्ड कॉपी भी सेंड करनी होगी,
जिसकी लास्ट डेट 17 अक्टूबर 2019 है। उसके बाद दोस्तों जो 5 नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है लिक्विड प्रोपल्यूशन सिस्टम सेंटर में। एलपीएससी के अंतर्गत टेक्निकल असिस्टेंट के 16 खाली पद है। सैलरी 44,900 से 1,42,400 है लेवल 7 के अंतर्गत। वहीं बात योग्यता की जाए तो डिप्लोमा मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में होना चाहिए फर्स्ट क्लास के साथ में, तो आप अप्लाई कर सकते हो। आयु सीमा 18 से 35 वर्ष है। आयु की गणना 2 जुलाई 2019 से की जाएगी। जनरल या ओबीसी के लिए ₹150 अप्लाई शुल्क है। वो मैन एससी पीडब्ल्यूडी को कोई भी शुल्क जमा नहीं करना होगा। शुल्क आप नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड से एसबीआई से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन होगा रिटर्न एग्जाम और स्किल टेस्ट के आधार पर। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। तिरुवनंतपुरम केरला जॉब लोकेशन है। ऑल इंडिया से आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। lpsc.gov.in जिसका ऑफिशियल गवर्नमेंट पोर्टल है, जिससे आप इस भर्ती के लिए अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 3 अक्टूबर 2019 है। ऑनलाइन फॉर्म की आपको हार्ड कॉपी भी सेंड करनी होगी, जिसकी लास्ट डेट 11 अक्टूबर 2019 है। उसके बाद दोस्तों जो 6 नंबर पर जॉब निकली है वो भर्ती भी एलपीएससी के अंतर्गत ही निकली है। पोस्ट है टेक्नीशियन ड्राफ्ट्समैन और हिंदी टाइपिस्ट की। 16 खाली पद है। सैलरी 1,700 से 81,100 है। 10वीं ITI और ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 35 वर्ष आयु सीमा है। जनरल या ओबीसी के लिए ₹150 अप्लाई शुल्क है। वोमैन एससी पीडब्ल्यूडी को कोई भी शुल्क जमा नहीं करना होगा। शुल्क आप नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड या एसबीआई से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन होगा रिटर्न एग्जाम और स्किल टेस्ट के आधार पर। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। तिरुवनंतपुरम केरला जॉब लोकेशन है। ऑल इंडिया से आप ऑनलाइन कर सकते हो। lpsc.gov.in इसका ऑफिशियल गवर्नमेंट पोर्टल है, जिससे आप इस भर्ती के लिए 3 अक्टूबर 2019 तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन फॉर्म की हार्ड कॉपी सेंड करने की अंतिम तिथि 11 अक्टूबर 2019 है। उसके बाद दोस्तों जो 7 नंबर पर जॉब निकली है वो निकले उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में। सड़क परिवहन निगम के अंतर्गत भर्ती निकली है। पोस्ट है संविदा कंडक्टर की। 111 यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज निकली है। सैलरी की अगर बात की जाए तो किलोमीटर के हिसाब से यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। बारी पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष आयु सीमा है। आयु की गणना 1 सितंबर 2019 से की जाएगी। जनरल या ओबीसी के लिए ₹200 अप्लाई शुल्क है, जबकि एससी के लिए ₹100 है। रिटायर्ड एम्प्लॉयज या डिसीज डिपार्टमेंट्स के लिए यहाँ पर कैंडिडेट जो UPSRTC में, उनको कोई भी शुल्क जमा नहीं करना होगा। शुल्क आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से ऑनलाइन जमा करा सकते हो। सिलेक्शन होगा बिना एग्जाम, बिना इंटरव्यू के, डायरेक्ट मेरिट लिस्ट के आधार पर। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। जॉब लोकेशन की अगर बात की जाए तो सहारनपुर उत्तर प्रदेश है। ऑल इंडिया से आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। iucomputers.org इस पोर्टल से आप ऑनलाइन कर सकते हो, जो कि स्टार्ट हो चुके हैं 23 सितंबर 2019 से। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 29 सितंबर 2019 है। उसके बाद दोस्तों जो 8 नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में। पोस्ट है प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की। 37 खाली पद है। सैलरी 57,700 से 218,200 है। PhD डिग्री धारक अप्लाई कर सकते हैं। आयु की जानकारी आप नोटिस से चेक कर सकते हो। जनरल या ओबीसी कैंडिडेट के लिए ₹1,200 अप्लाई शुल्क है। SST एक्स सर्विसमैन के लिए ₹600 है। शुल्क आप ऑनलाइन जमा करा सकते हो। सिलेक्शन होगा रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। कर्नाटका जॉब लोकेशन है। ऑल इंडिया से आप ऑनलाइन कर सकते हो। UOU.ac.in इसका ऑफिशियल पोर्टल है, जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, जो कि स्टार्ट हो चुके हैं 25 सितंबर 2019 से। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 25 अक्टूबर 2019 है। उसके बाद दोस्तों जो 9 नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद मल्टीपल डिसेबिलिटीज में। पोस्ट है डायरेक्टर, असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और भी बहुत सारे पद है, जो आप यहाँ से चेक कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। 36 वैकेंसीज निकली है। वहीं बात सैलरी की जाए तो ऑर्गेनाइजेशन रूल के हिसाब से प्रोवाइड की जाएगी। 12वीं ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, PhD, MBBS, MPhil, मास्टर डिग्री, MBSC अप्लाई कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन रूल के हिसाब से आयु सीमा तय की जाएगी। आवेदन शुल्क और सिलेक्शन की जानकारी भी आप नोटिस से ही चेक कर सकते हो। ऑफलाइन आवेदन कर सकते हो। तमिलनाडु जॉब लोकेशन है। ऑल इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हो। NIEPMD.TN.NIC.in इसका ऑफिशियल पोर्टल है, जिससे आप इस भर्ती का आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हो। लास्ट डेट आवेदन सेंड करने की 13 अक्टूबर 2019 है। उसके बाद दोस्तों जो 10th और लास्ट नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है बरनाला कोर्ट में। पोस्ट है ड्राइवर की, वेरियस खाली पद है। सैलरी 5,910 से 20,200 है। 8वीं क्लास LTV ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 37 वर्ष आयु सीमा है। कोई भी शुल्क जमा नहीं करना होगा। सिलेक्शन ड्राइविंग टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। ऑफलाइन आवेदन कर सकते हो। बरनाला पंजाब जॉब लोकेशन है। district.eco.gov.in/india-punjab/बरनाला ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है, जिससे आप आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हो। 30 सितंबर 2019 आवेदन सेंड करने की अंतिम तिथि है।
तो दोस्तों ये थी आज की यानी के बुधवार की 10 बड़ी भर्तियों की पूरी जानकारी। अगर आपको बिन भर्तियों के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहीं से किसी भी भर्ती की नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर सकते हो। और जिस भर्ती के लिए आपको आवेदन करना होगा यहीं पर आपको अप्लाई के लिंक दिए गए हैं, आप सिंपली किसी भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ साथ दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी भी अपडेट अपलोड करते हैं।